गाजा का क्षेत्रफल एक छोटे से शहर से भी छोटा है, लेकिन गाजा की छोटी सी जमीन पर जंग लड़ना इसराइल के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। हमास के लिए गाजा होम ग्राउंड की तरह है। गाजा की गली से गली हमास वाकिफ है वहां पे, और लेकिन इसराइल की सेना के लिए कदम कदम यहाँ पर उन्हें फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। जबकि हमास खड़े खड़े अपनी जगह पर ही युद्ध लड़ा है, हमास को हराना इसराइल के लिए क्यों मुश्किल हो चला है वो बताएंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। जमीनी जंग में चार चक्रव्यूह। गाजा में जीत अभी बहुत दूर है। हमास को हराना आसान नहीं। गाजा की भूल भुलैया में नेतन्याहू की सेना उतर तो गई है, लेकिन इस भूल भुलैया में हमास का चक्रव्यूह उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इसराइल की सेना पर जल्द से जल्द गाजा फतह करने का दबाव है। दबाव बंधकों की रिहाई का भी है, और युद्ध के बीच बड़ा चैलेंज हमास के खात्मे का भी है। फिलहाल गाजा का जमीनी युद्ध शहरी क्षेत्र तक पहुंच गया है, जहां बड़ी बड़ी इमारतों के बीच इसराइल की सेना को अर्बन वॉरफेयर की नीति अपनानी पड़ रही है। इसमें आम लोगों को हमलों से बचाने का बड़ा चैलेंज इसराइल की सेना के सामने है। शहरी इलाके में युद्ध के बीच खतरा हमास के लड़ाकों के गुरिल्ला युद्ध का भी है। हमास के लड़ाके जमीनी युद्ध में अपने इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ है, जबकि ये एडवांटेज इसराइल की सेना को नहीं है।